पहले मैं आपसे जानना यह चाहता हूँ कासिम के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई मेरा पहला तारुफ कासिम भाई से मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर था कौन सी ऐसी है बाजी आज कौन सी बात करने जा रही हैं कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च होने जा रहे हैं अच्छी सेंस प्रिवेल करें उसके लिए उन टॉपिक्स को लेकर आएंगे जल्दी वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है बिल्कुल तो सर कासिम के काम को आप किस तरह से देखती हैं हम मल्टी टास्किंग करते हैं एक के बाद एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट और उनका जहन बहुत तेजी से काम करना होता है तो मैंने कहा ये सिर्फ एक काम तो नहीं कर रहे लोगों को नहीं पता फाउंडेशन चला रहे हैं कितने लोगों का भला हो रहा है कितने सारे लोगों की जॉब्स चल रही है मैं हूँ ज़ेब और हमारे साथ आज के प्रोग्राम की गेस्ट बहुत स्पेशल हैं और जब जब मेरी इनसे मुलाकात हुई है यकीनन बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिला है एंकर हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिग्गज चैनल्स में इन्होंने काम किया है चाहूंगी की हमजा माशा से बहुत टैलेंटेड बड़ा इज्जत करने वाला बच्चा है और शुरू में जब मैं हमजा से मिली हमजा ने कहा मैम मैम भाई ये नहीं कहो मुझे आप ही कह लो बाजी कह लो मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये मेरा छोटा भाई बाजी कह के इतने प्यार से बुलाता है तो हमसे कैसे चल रहा है अल्लाह का शुक्र बल्कि मैंने ये सुना है कि फाउंडेशन के साथ आपकी कलेबोरेशन हो गई है होने जा रही है नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उससे <laughs> उससे मुतल भी हम आपसे पूछेंगे लेकिन पहले मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ सर कासिम के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई और किस तरह ये नए प्रोजेक्ट्स की तरफ रुक हुए सर अब कासिम भाई को हम देखा तो करते थे ज़ाहिर है एज मोटिवेशनल स्पीकर ही मैं उनको जानती थी और कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था बातें सुना करते थे और दोस्त बैठे अच्छा ये देखो ये नए मोटिवेशनल स्पीकर uh, की लिस्ट में नया नाम आ गया अच्छा देखा करते थे कभी सोचा भी नहीं था कोई इरादा भी नहीं था कि मुलाकात होनी है फिर हम लाहौर शिफ्ट हुए उस दौरान हारिस हैं हारिस को आप जानते हैं तो हारिस ने कहा कि आप ही वो ना सियासत में आ गए हैं कासिम भाई अच्छा। तो हम उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं मैंने कहा अच्छा ये कब हुआ अच्छा भला काम छोड़ के सियासत में किधर आ गए तो मैंने कहा अच्छा चलो हम टाइम ले लेते हैं और मिलने जाते हैं चूंकि हम तो रिलेटेड काम करते हैं तो पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो अच्छा उसी दौरान एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई हमें नहीं पता था हम तो उनका ये जानना चाह रहे थे कि आप सियासत में आ रहे हैं वो जिस सुबह हम पहुंचे हैं तो उस दिन वो बड़ा जी हर तरफ चीज़ें बड़ा वायरल हो रही हैं, हैं। हो रही हैं कासिम भाई से मुलाकात हुई और पहली मेरी वो मुलाकात पहले मुलाकात पहले नहीं कभी नहीं बिल्कुल बात भी नहीं हुई अच्छा। मुलाकात क्या बात भी कभी नहीं हुई बड़ी रिस्पेक्ट से मिले नीचे से रिसीव करने आए ऊपर लेकर गए बहन पहले दिन बहन बना लिया और मेरे बड़े प्यारे भाई हैं वो तो आ, मैंने जो लोग बातें कर रहे थे उससे तो बिल्कुल बरक्स पाया और उस वक्त हमारे सोशल मीडिया पर आपको पता है लोग इस तरह बातें बनाते रहे बिल्कुल तभी उसी दौरान ना मुझे कासिम भाई ने बताया कि मैं एक इवेंट जो है उसकी प्रमोशनल कैंपेन करने जा रहा हूँ आपने मेरे साथ करना अच्छा। बस उसी इंटरव्यू के बाद मैंने कहा अच्छा कासिम भाई तो बस आपने करना है मैंने कहा कासिम भाई कैसे करना है कुछ बताएं उन्होंने कहा बस ठीक है आपसे हमज़ा कोऑर्डिनेट कर लेगा वो फूड अथॉरिटी का प्रोग्राम था बड़ा ज़बरदस्त हो गया वो कैंपेन तो फिर हमने बड़ा कुछ प्लान किया कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है वो प्रोजेक्ट करना है फिर मैं भी कहीं बिज़ी हो जाती थी कासिम भाई बिज़ी हो जाते थे ट्रैवलिंग बहुत होती है तो वो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होते रहे और अभी कुछ और भी होने वाला है बिल्कुल ठीक कासिम के काम को आप किस तरह से देखती हैं खासकर कासिम का जो काम है फाउंडेशन को लेकर वो किस तरह आप समझती हैं कि सोसाइटी में बेहतरी ला रहा है चीज़ों को बेहतरी हालत में देख रहे हैं पहले तो मैंने बताया मेरा पहला तारुफ कासिम भाई से मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर था दूसरी बार मुलाकात हुई मुझे थोड़ा जानने का मौका मिला मैंने ये देखा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके पास जो कुछ आ रहा है उसको बांट दें कासिम भाई मेरे सामने उस वक्त बैठे बैठे मैं नहीं जानती थी इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की जिससे इन्होंने सबको साथ में लाया नए लोग थे जिनमें मैं भी शामिल थी और वो ये जो सिलसिला होता है ना बांटने वाला ऐसा शख्स कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता हाँ फेज जरूर आ सकते हैं मुश्किल आ सकती हैं और फिर मैंने देखा कि मल्टी टास्किंग बहुत मुश्किल काम है कासिम भाई एक वक्त में इतने एक्टिव हैं कि हमें उन्हें देख के एनर्जी मिलती है जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उलरते हैं गाड़ी में बैठते हैं <laughs> इतनी एनर्जी माशाला से वो मल्टी टास्किंग करते हैं एक के बाद एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट और उनका जहन बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है तो मैंने कहा ये सिर्फ एक काम तो नहीं कर रहे लोगों को नहीं पता फाउंडेशन चला रहे हैं कितने लोगों का भला हो रहा है कितने सारे लोगों की जॉब्स चल रही हैं, कितने सारे लोगों के बारे में वो चीजें जो वो बताना भी नहीं चाहते किस तरीके से दुख भी पहुंचता है और नहीं हम जज नहीं कर सकते हमें नहीं पता होता मुझे भी मिलने के बाद अंदाजा हुआ फिर किताब थी कासिम भाई की उसकी तकरीब रन में मैं भी आई फिर लोगों के तो माशाल्लाह से अमेजिंग पर्सनालिटी है अल्लाह ने जहन भी दिया और दिल भी अच्छा दिया ये बड़ा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कम लोगों में हुआ करता है, है। तो मैं सीखती भी हूँ हर बार जैसे आप कह रहे हो ना इस तरह जब वो बातें कर रहे होते हैं कोई अपना एक्सपीरियंस कासिम भाई शेयर कर रहे होते हैं तो मैं सुनती हूँ फिर उनमें अडेप्ट की भी बड़ी ज़्यादा क्वालिटी है मैं कोई बात कह रही होती हूँ कर रही होती हूँ तो वो उसको भी समझते हैं बिल्कुल करते ऐसा नहीं है तो बड़ा बड़ा ही मुझे सीखने का मौका मिलता है भाई भी हैं लेकिन अदरवाइज भी बिल्कुल ठीक सर के बारे में तो आपने बताया बारह बार आप फाउंडेशन भी आई हैं आपने विजिट किया बाकायदा तौर तो पर जो सेशन हो रहे होते हैं जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहे होते हैं है। है। स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के ऊपर काम हो रहा होता है स्किल्स के ऊपर काम हो रहा होता है खासकर फाउंडेशन के सिस्टम को किस तरह देखती हैं आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो रही है ये जो काउंसलिंग ग्रूमिंग गाइडेंस है ये हमारे यहाँ नहीं है बहुत डायरेक्शन लेस है ख़ासतौर पर अगर मैं यूथ की बात करूँ उनका कसूर नहीं है ये जो हमारे हाथों में अब फ़ोन है ना इसमें आप स्क्रॉल कर रहे हैं चीज़ें मिल रही हैं आपको पता नहीं चल रहा ठीक क्या है गलत क्या है तो कोई बताने वाला ऐसा कि आपके लिए ये ठीक है ये ठीक है कोई चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी कुछ नहीं होंगी और वही चीज़ें जो शायद आपके लिए अच्छी नहीं हो मेरे लिए अच्छी हो अब तो उसको सीखने के लिए समझने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए तो ये फाउंडेशन जो है ये सब कुछ कर रही है और लोगों को ये लगता होगा शायद सेशंस के पैसे होते हो पता नहीं हाँ, एक मित है, लोग हाँ, जो लेक्चर देने दे आते हो वो कितने पैसे हाँ, लेते हो फ्री ऑफ चार्ज कर रहे होते हैं और ये बड़ा अमेजिंग काम है बहुत ही ज़बरदस्त है और नीड ऑफ द टाइम भी है क्योंकि अब आज के दौर में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है और सिर्फ एक आ, सेक्टर को नहीं कर रहे होते कि सिर्फ यूथ है खातिन भी हैं बड़े भी हैं बिजनस भी हैं स्किल्ड लोग भी हैं तो सबको कैटर कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा खासकर ज़्यादातर स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है जिसकी ज़्यादा डिमांड भी है डिग्री सिस्टम वैसे ही खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है

आप भी उस पर घर बैठे तो सोच रहे होंगे मैं भी घर बैठी तो सोच रही होंगी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं बन पाती कि आप लोगों के दरमियान आके बात करें जिंदगी के ऐसे चैलेंजेस शायद डार्क पहलू आ, क्रिटिकल बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर सर भी बात करें नहीं ये जो हम करने जा रहे हैं ना जो टॉपिक्स मैंने निकाले हैं या जिस पर मैं चाहती हूँ कि वो बात करें कासिम भाई को कन्विंस किया है मैंने आप आप चाहती हैं कि इस पे शाह बात बिल्कुल बात, बात करें बिल्कुल बात करें करें बिल्कुल बिल्कुल हम मिलकर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और वो मैंने कासिम भाई को कन्विंस किया क्योंकि जब हम बैठते थे आपस में डिस्कशन के दौरान हम वो चीज़ें डिस्कस किया करते थे तो वो सबका सबके मसायल हैं आपका मेरा ये जो हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है या देखने वाले मौजूद है उन सबकी ज़िंदगियों में वो मसले हो गुजरे हैं वो उन फेजेस से उन इश्यूज से उन चीज़ों से गुजरें और मैं फिर वही वर्ड इस्तेमाल करूँगी कि वो बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं क्रिटिकल जिन जो बड़ी सेंसिटिव भी हैं कि उनको छेड़ना लोगों के लिए परेशानी का बायस भी बन सकता हो सकता है बहुत से लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी करें लेकिन उसी वक्त में वो बहुत ज़रूरी भी हैं माशरे के टैबूज भी हैं तो अब इन उनको हम ब्रेक करने के लिए और अगर ब्रेक नहीं तो कम से कम जो हम अकेले बैठ के जल कुड़ रहे होते हैं या जो समझ नहीं आ रही होती अच्छी सेंस प्रिवेल करें उसके लिए उन टॉपिक्स को लेकर आएंगे जल्दी वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है बिल्कुल ठीक है यकीन जब इन मौजूद पर बात होगी तो बहुत से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी आपको लगता है कि इन मौजूद पर बात करने के बाद लोगों की जिंदगी में सोसाइटी में आसानियाँ पैदा होंगी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी होंगी होंगी अच्छा क्योंकि अभी हम आपने बिल पाशा वाला वाक्य अब बहुत ही दुख की बात है अच्छा एक तरफ देखा जाए तो उससे ज़्यादा कामयाब तो कोई नहीं होगा एक मज़दूर घर आने से बच्चा उठा उसने इतना कुछ अचीव कर लिया उसकी उम्र भी आपको पता है कम थी फिर एक वाक्य हो जाता है अब लोगों के जिनों में बहुत से सवाल आते हैं उसको ठीक से परसीव भी नहीं कर पा रहे कि क्या हुआ ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो डिप्रेशन का मरीज होगा अब डिप्रेशन एक टॉपिक तो है ना हम उस पर बात ही नहीं करते अगर मैं आपसे कहूँ मैं डिप्रेस हूँ तो आप कहेंगे भाजी आपकी जिंदगी में कमी क्या है पागल भी कहते हैं यही बात है। मतलब ये पागल ये भी है, है। इसे, इस तरह की चीजें क्यों हमारी सोसाइटी में हो सकता है बेहतरी हो सकती है मुझे बताए मैं आपसे एक सवाल कर आपको बहुत शदीद बुखार है सर दर्द है जिसम दर्द है एक दो दिन आपने सेल्फ मेडिकेशन कर ली नहीं ठीक हुआ आप क्या करें डेफिनेटली डॉक्टर से रजू किया जाए ठीक है इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि मेरा फोकस ठीक नहीं है मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा या मैं डिस्टर्ब हूँ टी वी देख रहा हूँ तो ख्याल कहीं और जा रहे हैं तो आपकी बॉडी का पार्ट है ब्रेन भी एक ऑर्गन है ना उसमें भी कोई डिसफंक्शन हो सकता है इम्बेलेंस हो सकता है तो जब हम नजले जुकाम बुखार की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जो यहाँ पर है इसकी दवा के लिए या इसके प्रॉब्लम के लिए हम क्यों नहीं लोग समझते नहीं कि इसकी दवा भी जरूरी बहुत जरूरी इसी की वजह से पूरी बॉडी काम कर रही है कोई पता नहीं कि जो फिजिकल कंडीशन आपकी इस वक्त है उसके पीछे इसको तो सिग्नल जाते हैं ना अगर आप साइंस पढ़े तो ये बहुत बाहर तो बहुत कॉमन है आपको पता है बाहर लोगों ने साइकेट्रिस्ट के विजिट्स बुक कराए होते हैं वो हर हफ्ते जाते हैं लेकिन हमारे पास तो दोस्त अहबाब होते हैं लोग होते हैं हम बात कर सकते हैं मगर अब जितनी आ, फास्ट लाइफ हो गई है उसके बाद तो आ, आप आ, अपने दोस्तों से भी जब डिस्कस करते हैं वो बस सुनते हैं अच्छा यार कोई नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो सुनने वाले लोग नहीं रहे जिनसे आप कह सकें तो हम ये जो शुरू करने जा रहे हैं सिलसिला उसमें सुनने वाले भी हम होंगे यानी जो कमेंट्स भी आए करेंगे हम उस पर भी अच्छा, उस उस उनकी तरफ से जो सवाल आएंगे बकायदा तौर पर जवाब देंगे उनको भी जवाब उनको देंगे, देंगे। टॉपिक्स उसके मुताबिक भी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये सिलसिला पसंद आएगा कुछ क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारी चीज़ों में और फिर वही बात है अगेन कि क्रिटिकल चीज़ें हैं तो आप भी ज़रा तैयार रहिएगा बिल्कुल ठीक है अच्छा वो आपने प्लान्स तो बता दिए हैं जो प्रोजेक्ट्स होंगे जिन मौजूद पर बात की जाएगी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी अब वो लोग जो आपको बेताबी से सुन रहे हैं उनको लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आपका फोकस अपनी ज़ात होनी चाहिए इर्द गिद के लोगों पर भी फोकस होना चाहिए लेकिन जब आप अपने आप को अच्छा रखेंगे हर तरह से अच्छा अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखेंगे जिसमानी सेहत का ख़्याल रखेंगे अपनी एनर्जी का ख्याल रखेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे हम सबसे बड़ी चीज़ जो कर रहे हैं जो मैं अभी नोटिस करती हूँ हम अपने से ज्यादा इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते ये बहुत ज़्यादा है बहुत और उसमें हम अच्छा तलाश नहीं कर रहे होते सॉरी टू से ज़्यादातर लोग बुराई तलाश कर रहे होते सपोज हमजा आज ट्रिप पर जा रहा है इसके पास पैसे कहाँ से आए हाँ। कहाँ से आए और यकीन इसने कोई दो नंबर ही की हो आज के दौर में तो राय कायम कर ना कपड़े ये कोट पहना है अच्छा अब ये कोट होगा लाख रुपए का होगा यकीन ना हमजा ने कहीं से कोई लिफाफा पकड़ लिया कोई मेहनत भी कर सकता है आपको नहीं पता आज जो आप हैं उसके पीछे कितनी आपने मेहनत की हुई और आज आप इस मकाम पर पहुँचे तो तो आप फोकस सिर्फ हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं आपकी तारीफ कर दें और हर वक्त नेगेटिविटी से दूर रहें और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप काम करें आप मेहनत करें एक्सक्यूजेज ना ढूंढें ये नहीं कि आपने एक दिन दो दिन काम किया और आपने सोच लिया कि जी अब तो मुझे फल मिल जाए और अब मेरे पास बहुत कुछ हो जाए हम जिन कामयाब लोगों को देख रहे होते हैं उनके पीछे सालों की मेहनत होती, है।, है तो आपको वही बता रही हूँ कि अल्लाह ताला भी कहता है कि आप अपनी ज़ात को पहचानोगे तो मेरी ज़ात को पहचानोगे आप देखें कि इंसान की जात कितनी इंपॉर्टेंट है उस रब तला ने कह दिया है डिनाई करने वाले आप नहीं होते फोकस करें खुद को ठीक करें दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में वो कहते कहते ना इम्पॉसिबल नहीं है वो खुद कहता है अपने आप में कि आई एम पॉसिबल बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया भाजी आपके कीमती वक्त का गुप्तु आपने सुनी है और यकीनन आज के इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिला होगा कहते हैं कि ले यार हवाले रब दे मिले चार दिन आ दे तो उस दिन ईद मुबारक होशी जिस दिन फिर मिलांगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे नहीं इजाज़त अल्लाह ने के बाद